दिन में मुझे आपकी कॉल का पता ही नहीं चला। पूरा दिन अम्मी के साथ कामों में ही गुजर गया। हाँ, इतना भी मसरूफ ना हो जाया करें आप कि भूल ही जाएं कि कोई शख्स आपसे बात करने के लिए बेताब है। मसरूफियत भी तो आप ही की वजह से है। शादी की तैयारियों में ऐसे पूरा दिन गुजर जाता है और फिर रात को एहसास होता है कि कितनी जल्दी एक और दिन गुजर गया। जल्दी गुजर गया, या मैं अपने दिन गिन गिन के काट रहा हूँ, तुम्हारे दिन जल्दी गुजर रहे हैं। खैर, मैंने वो अपने रूम के कर्टन चेंज करवाने थे तो सोचा तुम्हारी राय ले लूँ। डिजाइन व्हाट्सएप किए हैं, चेक करके बता देना। जी, मैंने देखे थे, बहुत अच्छे थे। सभी अच्छा, सारे लगवा लेते, लेकिन रूम नहीं, ये शामियाना लगेगा। मेरा मतलब है इनमें से कोई भी लगा दें जो आपको पसंद। चलो ठीक है, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा, वो वोमन वाले मसले का कुछ हुआ? नहीं वलीद, मुमकिन ही नहीं है। खालू की नफरत रोज बरोज बढ़ती जा रही है हमारे लिए। उस दिन जब हम शॉपिंग पे गए थे, जिस दिन आप उस लड़के से उलझ पड़े थे, वही जो उस लड़की को तंग कर रहा था, वो लड़का मेरे खालू का होने वाला दामाद है। क्या? और तुमने खालू को बताई ये बात? उस लड़के ने हमारे खिलाफ खालू के कान भर दिए हैं। अब हम कुछ कहेंगे भी तो वो नहीं मानेंगे। क्या मतलब, यकीन नहीं करेंगे? अजीब इंसान है तुम्हारे खालू। वलीद, वो लड़का बहुत गलत है। कॉलेज से वापसी में उसने एनी का रास्ता रोक लिया था। एनी को इतना हरास किया क्योंकि उसको भाई से हसद है। एक नंबर का घटिया इंसान है, और ये बात तुम अपनी खाला और खालू को क्यों नहीं बता रहे हो? हमारे बस में होता तो हम ये कभी भी ना होने देते। जब माँ बाप ही नहीं कुछ कर सकते तो फिर तुम लोग क्या करोगे? तुम परेशान मत हो। खुदा आशी की उससे जान छुड़ा दे, मेरी तो बस यही दुआ है। छुड़ा देगा, आशी और मोमिन दोनों की सुनेगा खुदा, तुम परेशान नहीं होगा। काश ऐसा ही हो जाए। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। तुम भी खुदा हाफिज़।